रोजाना राशिफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों आइए यहाँ जानते हैं किस राशि जातकों को लाभ होगा और किन्हें मिलेगी खुशखबरी। आज भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा किन राशि जातकों पर होगा और कैसा रहेगा आज का दिन, आइए यहाँ जानते हैं। शनिवार 5 जून 2021 को आपका दैनिक राशि फल कैसा रहेगा, किन्हें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में, आइए यहाँ जानते हैं। और आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, आइए हम पूरे विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 5 जून 2021 दिन आज शनिवार का है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बन रही है। नक्षत्र की बात करें तो रेवती नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 11:28 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो सौभाग्य नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 3:35 तक चलता रहेगा और इसके उपरांत शोभन नामक योग प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज मीन राशि इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक रात्रि के 11:28 तक चलता रहेगा। आज के दिन का अशुभ समय राहु काल का समय रहेगा, ठीक सुबह के 9:04 से लेकर ठीक 10:45 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण और शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। चलिए जानते हैं अब आपके दैनिक राशिफल। जी हाँ, हम आपकी दैनिक राशिफल की बात कर रहे हैं। मकर राशि जातकों को आज हम बताना चाहेंगे, आज आपका शुभ रंग जो है वह आज आपके लिए नीला रहेगा। जी हाँ, आसमानी। और आज आपका लकी नंबर यानी कि भाग्यशाली अंक जो है वह आज आपके लिए 10 और 11 रहेगा। आज आपकी ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सितारे आज आपके कह रहे हैं कि आज का दिन सामान्य ढंग से बीतेगा और युवाओं को करियर से जुड़ी जानकारी मिलेगी। हम आपको बता दें, यह समय ऑफिस में सहयोगी आपके विरोध में आ सकती है और फील्ड में काम करने वालों के लिए नए मौके मिलेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, यह समय परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। जी हाँ, हम आपको बता दें, परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकती है और उधार की रकम वापस मिलेगी। हम आपको बता दें, यह समय कुवारों की रिश्ते की बात चल सकती है और सेहत ठीक रहेगी। हम आपको बताना चाहेंगे, आर्थिक संकट दूर होगी और आज प्रसन्नता के क्षण आएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, यह समय संतान पक्ष को सफलता मिलेगी और किसी से मतभेद उभर सकती है। जी हाँ, हम आपको बता दें, बाहरी खान पान को त्यागें और आपकी योजनाएं फलीभूत रहेंगी। हम आपको बता दें, और आज आप समय पर जिम्मेदारियों को पूरी कर पाएंगे और आज आपको गाड़ी चलाते समय सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। जी हाँ, हम आपको बता दें, अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी चिंतित रहेंगे। हम आपको बता दें, लेकिन आमदनी में हुई बढ़ोतरी आपको संतुलित कर देगी। जी हाँ, हम आपको बता दें, आपको अपना नज़रिया सकारात्मक रखना होगा और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और यह समय ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, उसे भी मदद करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के सिलसिले में लाभदायक यात्रा पर जा सकती है। जी हाँ, आज के दिन जो भी भक्त भगवान शनिदेव को सच्चे मन से पुकारेगा, उन्हें भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके
सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिख दे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।